मैं संतोष सिवन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी पिछली फिल्म जो हुई थी वो मैंने देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, जिसमें जिनेला ने काम किया था और उसके बाद उनकी ये फिल्म आई है। और आई थिंक पर्सपेक्टिव का सवाल है, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को लेकर उन्होंने एक अलग तरीके से बताने की कोशिश की है। जो भी कुछ देखा हूँ ये संतोष सिवन की फिल्म है तो सिनेमाटोग्राफी तो बहुत ही बढ़िया है एंड आई थिंक दिस द लीस्ट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम संतोष। पिक्चर एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे रखी हुई है। द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज करेज होना चाहिए कि लीड कैरेक्टर में एक लड़का है जो डाउन सिंड्रोम के साथ है एंड आई थिंक दैट इज़ टेरिफिक। Santosh Sivan special. I am a big fan of his films and I am so looking forward to this. I am sure it will be visually a poetry and still a very important story to tell. So this is what is special about Santosh's films, that he tells stories that are very important to be told in a social relevance perspective. So I am so looking forward to Hi everybody, I'm Shahid Kapoor. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.